प्यारे विद्यार्थीगण, आज क्लास में आपका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में चैप्टर है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में सीख चुके हैं, इसके पहले एक क्लास प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हो चुका है, और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग दो मेथड भी सीख चुके हैं, ट्री मेथड और डिवीजन मेथड। ट्री मेथड जिसमें पेड़ ट्री के का रूट जो है उसके अनुसार से उसका डिवाइडेशन होकर के और फैलता आता है नंबर, और डिवीजन मेथड में हम लोग डिवीजन करते हैं। तो प्रायः लोग पसंद डिवीजन मेथड को करते हैं, ज्यादा ध्यान में लोग डिवीजन मेथड को लाते हैं, और आपका जो प्रैक्टिस भी बुक में है वो अधिकतर जो है डिवीजन मेथड से, इसलिए डिवीजन मेथड से अभी इसे हम लोग सॉल्व करें। लेकिन सबसे पहले हम एक आपको हम ट्री मेथड भी एक हम दिखाते हैं आपको। किसी भी एक यहां से हम कोई भी नंबर को एक हम चुन लेते हैं, किसी को भी हम लोग चुन सकते हैं यहां से, और उसको हम लोग ट्री मेथड से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मान के चलिए हम लोग चुन लेते हैं 112, 112। तो इसे सबसे पहले हम दो भागों में बांट देंगे, 112 है, 112 है, तो दो भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, दो से डिवाइड हो जाएगा। हम उसके आधार पर भी कर सकते हैं या अन्य कोई टेबल का भी हम चयन कर सकते हैं। अगर हम दो से अगर हम डिवाइडेशन के लिए इसका अगर हम चयन करते हैं तो आंख बंद करके, दो से डिवाइड हो, आंख बंद करके एक जगह दो आप दे दीजिए। अब देखिए कि दो एक बार हमने दे दिया तो दूसरा डिजिट, दूसरा नंबर क्या होगा, जो कि दोनों का गुणन जो है 112 हो जाएगा। ये हम लोगों को सोचना है। तो आप साधारण से इस बात को आप समझ गए होंगे कि दो से अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा जो नंबर आएगा वो डिजिट आएगा। आप करके भी देख सकते हैं इस तरह से इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या है, आपको ज्यादा टेबल का चयन भी इसमें करना नहीं है, कम से कम टेबल का चयन करके और इसको ब्रेक करते जाना है। आप इसका मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हैं कि ये 112 आ रहा है या नहीं। अब ये अस्थिर हो गया, अब ये प्राइम नंबर में आपको प्राप्त हो चुका है, लेकिन ये 56 अस्थिर नहीं है, इसका डिवाइडेशन और होगा, और इसका डिवाइडेशन होगा। तो इसका डिवाइडेशन हम क्या करेंगे, हम फिर हम दो से के आधार पर इसका डिवाइडेशन कर देते हैं, क्योंकि आसान वही है, सरल वही है, उसी को हम आसानी से समझ सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम दो ले लेते हैं। अब दिमाग आपको लगाना है कि जो एक जगह दो हमने ले लिया तो दूसरा डिवाइडेशन जो इसका प्राप्त होगा, दूसरा पार्ट जो प्राप्त होगा वो क्या होगा। तो आप साधारण तरीके से आप समझ गए होंगे, दो से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो दूसरा जो आएगा वो कितना आएगा, तो 28 आएगा। 28 हो गया, दोनों का मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए 56 आना चाहिए। अब ये स्थिर हो गया क्योंकि प्राइम नंबर में पहुंच चुका है, हमें ब्रेक किसको करना है, 28 को ब्रेक करना है, तो 28 को ब्रेक किया जाए। फिर हम अगर 2 का चयन करते हैं, फिर कंटिन्यू हम 2 का चयन कर रहे हैं, तो आप आसानी से समझ गए होंगे ये 2 का चयन करने के बाद ये कितना आएगा, 14 आएगा। फिर आप हम 2 का चयन कर रहे हैं तो 7 आएगा, और नीचे इस तरह से हम लिख देंगे 112 = 2 × 2 × 2 × 2 × 7। आप मल्टीप्लाई करके भी इसे आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे भी चेक करना है कर लीजिए, आपका ये मल्टीप्लाई 112 आना चाहिए। तो ये हो गया ट्री मेथड। लेकिन हम लोग डिवीजन मेथड से सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, सॉल्यूशन को देखेंगे। तो आइए, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम लिए हुए हैं, 49, 84, 96, 112, 168, 225, 250, 300, 324, एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड से। तो आइए देखते हैं हम लोग डिवीजन मेथड से इसका सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले
हमारे पास जो नंबर है वो है 49, इसे अभी हम लोग क्लियर करते हैं। हमारे पास नंबर है 49, देखिए यहाँ पे 49 आपको दिख रहा होगा, 49 चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया। डिवीजन मेथड में कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे भली भांति हम लोग इसका अगला क्लास में, जो पिछला क्लास जो इसका हुआ था उस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पुनः पुनः हम लोगों को इस पर विचार करना है, समझना है, सीखना है। तो चलिए सबसे पहले 2 का चयन करेंगे और 2 का चयन करके देखेंगे क्या 2 से डिवाइड हो सकता है, बताइए 49 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं होगा, नेवर। तो क्या करेंगे इसके बाद हम 3 में आएंगे, 3 का चयन करेंगे, 3 से क्या इसका डिवाइड हो सकता है? 3 से भी इसका डिवाइड नहीं होगा, तो हम कहां जाएंगे? 5 में हम जाएंगे, क्या 5 से इसका डिवाइड हो सकता है? 5 से भी इसका डिवाइड नहीं होगा, तब हम क्या करेंगे उसके आगे बढ़ेंगे 7, और 7 से इसका डिवाइड हो सकता है? यस, दिस इज राइट, 7 से इसका डिवाइड संभव है, पॉसिबल है। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स जाएगा? 7 टाइम्स जाएगा, 7 × 7 49 होता है। इस 7 को फिर 7 से हम देंगे, अब तो बैक तो हमको आना है, चेक करना ही नहीं है, 7 से ऊपर हमको जाना है, नीचे नहीं आना है। हमने फर्स्ट बार जो चेक करते आया वो कंप्लीट है, अगर आप चेक में भूल करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है 1 टाइम्स, इसलिए 49 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 × 7, ये हो गया प्राइम फैक्टर, दोनों टर्म जो है उसका 7 है और 7 है प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन फाइनल है किसका? 49 का, 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप देख रहे हैं 7 × 7, 7 × 7 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, आप इसे समझ गए होंगे। अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो 84 है, चलिए 84 लेते हैं हम लोग, 84 मेरा रूल क्या है? सबसे पहले हम 2 से चेक करेंगे, देखा जाए क्या 2 से डिवाइड होगा? जी यस, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 का हम लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं, आप कितने टाइम्स आएगा तो डिवाइड दे दीजिए यहाँ पे 42 टाइम्स, 42 क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस, ये भी पॉसिबल है, कितने बार जाएगा ये 2 जाएगा, ये 1 जाएगा, 21 क्या 2 से पॉसिबल है? नो, 21 2 से पॉसिबल नहीं है, तो हम 3 में आएंगे, चेक करेंगे क्या 21 3 से पॉसिबल है, डिवाइड हो सकता है? यस, रिजल्ट आ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स? 7 टाइम्स। अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, डायरेक्ट 7 से होगा, कितना टाइम्स? 1 टाइम्स यहां पे हम लिखेंगे, देयरफॉर 84 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 7, दिस इज आंसर, 2 × 2 × 3 × 7 इज द आंसर ऑफ 84, दैट मींस 2 × 2 × 3 × 7 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, ये प्राइम फैक्टर है, किसका प्राइम फैक्टर है? 84 का, क्लियर? आप 84 का प्राइम फैक्टर समझ गए होंगे, कैसे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका प्राइम फैक्टर में आंसर क्या आएगा, ये भी क्लियर आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 96 पर हम लोग विचार करते हैं, चलिए यहां पे देखा जाए 96 को, तो फिर हम लोग इसको क्लियर करेंगे और क्लियर करके फिर एक एक करते 96 आ गया। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है, या 2 से डिविजिबल है, कितना टाइम जाएगा आप डिवाइड कर दीजिए 2, ये 4 टाइम जाएगा, 1 बचेगा, 8 यानी 48 टाइम जाएगा, फिर चेक करेंगे क्या ये 2 से डिविजिबल है 48, या 48 भी डिविजिबल है, किससे? 2 से, इसलिए हमको आगे बढ़ने की जरूरत
नहीं है। कितना टाइम से आएगा ये? 24 टाइम से आएगा, 24 से आपके पास। अब इसे चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है या हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। अब 12 हमारे पास है, अब इसे भी चेक करना क्या है 2 से डिविजिबल है या हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। हमारे पास अब 6 है, 6 में डिवाइड करना है 2 से, होगा या हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। अब यहां 2 से नहीं होगा ये 3, तो 3 किससे होगा, 3 से। कितना टाइम्स, 1 टाइम। यहां पे लिख देना देयरफॉर 96 इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2, 1, 2, 3, 4, 5, then 3, ये आया आपका, ये आपका रिजल्ट आ रहा है। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि 96 आ रहा है कि नहीं। 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 2, 16, 16 into 2, 32, or 32 into 3, 96. This is right. ये सारे जो प्राइम फैक्टर है किसका, 96 का। इस प्रकार से 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, आप बखूबी समझ रहे होंगे। सिर्फ आपको डिवाइड में पारंगत रहना है और इसमें आपको डिविजिबिलिटी रूल, लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम जानना अति आवश्यक है। नहीं तो आपके ट्रायल मेथड में आपको आना होगा, ट्रायल लेना होगा बार बार, इसे होगा कि नहीं होगा। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल अगर आप जानते हैं तो तुरंत चेक कर लेंगे, हाँ 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से है या नहीं, 5 से है या नहीं, उसका रूल आप जानते हैं, रूल अप्लाई करके चेक कर लेंगे। इसलिए आप छोटे छोटे जो नंबर दिए उसको तो बना सकते हैं, जो बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा, परेशानी होगी, जब तक आप डिविजिबिलिटी रूल बढ़िया से नहीं जानते हैं। इसलिए डिविजिबिलिटी रूल को जानना अति आवश्यक है। लेकिन अभी आपके पास जो प्रॉब्लम आएंगे क्लास 3-4 में, वो छोटे छोटे प्रॉब्लम आएंगे, 5 से थोड़ा बड़े, 6 में तो और बड़े, तो वहां पर आपको जरूरत पड़ जाएगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम है 1, 1, 2, इसे देखते हैं। इसको अभी हम लोग देखे थे कौन से मेथड से, ट्री मेथड से, ट्री मेथड से इसको चेक किए थे हम लोग। चलिए डिवीजन मेथड से 2 से ये जाएगा, अब 2 से जाएगा तो कितना टाइम्स जाएगा ये हम लोगों को देखना है। 2 से डिवाइड होगा 112, तो कितना टाइम्स होगा डिवाइड, तो 2 से यहीं पर आप डिवाइड दे सकते हैं, 5 टाइम्स में 10, 1 यहाँ पे आपका लेफ्ट है, वो इधर आकर के 12 हो जाएगा, 6, 56, 56 टाइम्स 2 से। अब 56 को चेक करना है, दिस इज आल्सो डिवाइडेड बाय 2, एक्सैक्टली डिवाइडेड बाय 2, 56, तो 2 से इसे भी डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम्स आएगा ये, 28 टाइम्स, 28 हो गया। 28 को भी चेक करेंगे, ये भी 2 से जाएगा, 14 टाइम्स, ये 14 है, फिर इसे भी चेक करेंगे, ये भी 2 से जाएगा, 7। अब 7 आ गया तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 7 से होगा, अपने से ही सेल्फ। Therefore, 112 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 7. These are answers. 2 into 2 into 2 into 2 into 7. Clear है? समझ गए? अब आपको check भी करना होगा तो check कर लीजिए multiply करके, 112 आता है या नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 168, इसे देखना है, 168 को देखना है
चेक करना है क्या 168 तो क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले हम ट्राई किसे करेंगे, टू से, ये डिविजिबल है, ये डिविजिबल है, कितना टाइम जाएगा आप जान रहे हैं इसे, कितना टाइम जाएगा 84 टाइम्स है, 84 टाइम जाएगा। अब 84 को देखिए, ये भी 2 टाइम्स है, कितना बार जाएगा ये 42 टाइम्स जाएगा। ये 42 को देखिए, 2 से डिविजिबल है, ये 21 टाइम्स, ये 21 देखिए 2 से डिविजिबल है, नो 3 से चेक करेंगे, 2 से नहीं है तो 3 से चेक करेंगे, ये हाउ मेनी टाइम्स 7 टाइम्स, और ये 7 1 टाइम्स। तो इस प्रकार से रिजल्ट क्या फाइनल करेंगे, देयरफॉर 168 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 3 टाइम्स 1 2 3 एंड 3 एंड 7 then 3 and 7 is all our answer. 2 × 2 × 2 × 3 × 7 किसका प्राइम फैक्टर हो गया 168 का, 168 का ये प्राइम फैक्टर है, क्लियर है, आसानी से समझ गए होंगे आप, बस थोड़ा सा केवल ध्यान रखना है आप लोगों को और सिस्टम से चलना है। प्राइम नंबर को पहले जान लीजिए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, उसके बाद सीधा हम लोग जाएंगे 29, 31 के बाद सीधा हम लोग जाएंगे 37, इस तरह से आपके पास प्राइम नंबर है जो आपको जान लेना है, आगे भी और प्राइम नंबर है, ये सबका ज्यादा प्रयोग है। और बस सिर्फ उसी से, 2 से उसके बाद नहीं होता है 3 से, नहीं होता है तो 5 से, नहीं हुआ तो 7 से, नहीं हुआ तो 11 से, नहीं हुआ तो 13 से, नहीं हुआ तो 17 से, नहीं हुआ तो 19 से, इस प्रकार से हमको ट्राई लेना है। चलिए 225, अरे हमेशा याद रखेंगे आप, 2 का ट्राई अगर समाप्त हो गया कि 2 से वो डिविजिबल कभी नहीं है, नहीं है, हो नहीं सकता है, तो आपको 3 से तो चेक करेंगे, लेकिन 3 से भी अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, 4 से चेक करेंगे, नहीं ये काम कभी नहीं करना है, 6 से चेक करेंगे, 5 से तो चेक करेंगे, 6 से करेंगे नहीं, क्योंकि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये सब सारे कंपोजिट नंबर हैं, कंपोजिट नंबर से चेक करने का मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम तो प्राइम नंबर से करते जा रहे हैं, हम 2 से तो कर लिए, तो 2 से मल्टीपल में जितना आया वो किसी से भी और नहीं डिवाइड होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 225 ये देखिए 225 का क्या होगा, 2 से चेक करेंगे सबसे पहले, क्या 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, नहीं होगा 2 से डिविजिबल, है लास्ट में 5 है, डिविजिबिलिटी रूल अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी रूल, तो 3 से चेक करेंगे, 3 से ये डिविजिबल है, या क्यों डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार 2, 2, 4 और 5 9 है तो 9 3 से डिविजिबल है, तो यह होगा, ये तो 3 से हम कर देंगे, कितना टाइम्स 7 1 लेफ्ट हुआ है 15 हो जाएगा 75 टाइम्स किया। अब हमको तो वापस बैक आना नहीं है, हमको तो 2 से चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, अब हम 3 से करेंगे, जहां है वहीं पे करेंगे या उससे आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं हुआ तो 3 से देख लेते हैं, फिर इसको डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लागू करते हैं तो ये 3 से डिविजिबल है, तो इसलिए 3 से हम दे देंगे, कितना बार जाएगा ये 25 टाइम्स, 25 आया। अब देखिए फिर 3 से चेक करेंगे, क्या ये डिविजिबल है, पॉसिबल है, ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं 3 से नहीं हो सकता है, तब हम क्या करेंगे, आप 4 से चेक करेंगे, नहीं हमने तो पहले चर्चा किया है 4 से तो चेक करने का कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो प्राइम नंबर है ही नहीं, वो तो 2 ही सबको समाप्त कर दिया, 4, 6, 8 जितने भी इवन नंबर में आ रहे हैं सबको 2 साइड कर दिया, क्योंकि 2 से नहीं जा रहे हैं तो इवन नंबर
कोई भी वैन नंबर उसे तो जाना ही नहीं है। तो क्या करेंगे, थ्री से नहीं जाएगा तो फाइव से चेक करेंगे, क्या फाइव से डिविजिबल है। तो फाइव का टेबल में देखिए 25 आ रहा है ना, कितना टाइम्स, फाइव टाइम्स। अब ये फाइव हो गया तो फाइव से, देयरफॉर 225 इज इक्वल टू 3 × 3 × 5 × 5, ये आपका रिजल्ट है। 3 × 3 × 5 × 5 फाइनल है। आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस का आप इसे अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। भले सीखने के लिए तो आपको तो देखना है बार बार, इसको समझना है बार बार, लेकिन कंप्लीट जानने के लिए, नॉलेज आपके पास ये आ जाए, इसके लिए तो आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बार बार प्रैक्टिस करिए, इतना बार प्रैक्टिस करिए कि किसी भी तरह का कोई नंबर आए तो उसका प्राइमराइजेशन करने के लिए कहे तो आसानी से आप इसको कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स में, अगर ये नहीं सीख पाए आप तो बहुत जगह आपको दिक्कत होगा, बहुत जगह दिक्कत होगा, अनेकों समस्याएं आपके पास सामने आके खड़ी हो जाएगी आगे चल करके। इसलिए इसे अच्छी तरह से आपको जानना जरूरी है ताकि आगे के जो लेसन्स आएंगे उसमें बखूबी आप सारे समस्याओं का समाधान कर सके। 250 है नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसे देखा जाए। 250 टू से चेक करते हैं, सबसे पहले टू से जाएगा, ये लास्ट में जीरो है, कितना टाइम जाएगा टू से, इसको हम चेक करेंगे तो कितना टाइम जाएगा ये, तो ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये फाइव हो गया, 125। और फिर इसे टू से चेक करेंगे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तब फिर से चेक करेंगे, थ्री से आएगा ये, 1, 2, 3 और 5 एट हो जा रहा है, थ्री से भी नहीं जाएगा ये, तब सीधा कहां पहुंचेंगे, फाइव। फाइव से चेक करते हैं, फाइव से जाएगा ये, कितना बार जाएगा, 25 टाइम्स जाएगा, फाइव से 25 टाइम्स जाएगा। अब 25 को फिर फाइव से चेक करेंगे, पीछे को तो बैक आना नहीं है, हमको टू से चेक करना नहीं है, थ्री से चेक करना नहीं है, क्योंकि उसका तो राउंड समाप्त हो चुका है, तो हमें चाहे फाइव से चेक करना है। और फाइव से क्या रिपोर्ट देता है, जानने लायक है या नहीं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन फाइव से ये जाएगा, आसानी से जाएगा, कितना टाइम्स, फाइव टाइम्स, और ये फाइव से वन टाइम। देयरफॉर 250 इज इक्वल टू 2 × 5 × 5 × 5, ये आंसर हो गया आपका, 2 × 5 × 5 × 5, किसके लिए, 250 के लिए, 250 के लिए प्राइम फैक्टर कहलाएंगे ये। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, चलिए इसको मिटाते हैं। थ्री हंड्रेड को देखा जाए, ये 300, अब देख रहे हैं 300, तो आप तो सीख गए होंगे आप, सबसे पहला ट्राई किससे होगा, टू से होगा, और टू से क्या है, डिविजिबल है, कितना टाइम जाएगा, 150 टाइम जाएगा। अब 150 आपके पास है, ये भी टू से डिविजिबल है, हमको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, कितना बार जाएगा ये, 75 टाइम्स जाएगा, 75 आ गया। अब क्या है, 75 टू से डिविजिबल है, नो, 75 टू से डिविजिबल नहीं हो सकता है, तो क्या आप थ्री से चेक करेंगे, तो 75 12 हो गया, 12 थ्री से डिवाइड है, डिविजिबल होगा, इसका मतलब थ्री से डिवाइड होगा, तब थ्री से देंगे कितना टाइम जाएगा, 25 टाइम जाएगा, ये 25 आ गया। अब इस 25 को फिर थ्री से चेक करेंगे, थ्री से डिविजिबल है ये, नहीं, तब हम क्या करेंगे, फाइव से चेक करेंगे, फाइव से डिविजिबल है, या दिस इज डिविजिबल बाय फाइव, और लास्ट में फिर ये फाइव, फाइव से वन टाइम, देयरफॉर 300 इज इक्वल टू
2 × 2 × 3 × 5 × 5. These all are answer of 300. That means 300 का prime factor 2 × 2 × 3 × 5 × 5. ये इसका prime factor हो गया। हमारे पास अब एक last solution बच रहा है 324। इसे देखा जाए 324। इसे हम लोग को चेक करना है। सबसे पहले क्या ट्राई लेंगे, पहले टू से देखा जाए डिविजिबल है, ये टू से डिविजिबल है। अब कितना टाइम से आएगा ये हम लोगों को देखना है। दिया जाए वन टाइम ये 12 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। नो ये 162 टाइम्स किया है। फिर अब देखना है, चेक करना है क्या टू से डिविजिबल है। ये टू से डिविजिबल है, लास्ट में टू आया है। कितना टाइम जाएगा, ये 8 हो गया, ये 1 हो गया, 81। क्या 81 टू से डिविजिबल होगा? नो, कभी नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम, फिर से चेक करेंगे, फिर से डिविजिबल है या 8 and 1 9। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से कितना टाइम्स होगा, डिवाइड कर दीजिए 27 टाइम। रिजल्ट कितना आया 27। अब फिर इस 27 को चेक कीजिए, क्या 27 डिविजिबल है 3 से? 2 and 7 9। 9 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल होगा। 3 से 9 टाइम्स। अब इस 9 को फिर 3 से 3 टाइम्स, इस 3 को 1 से 1 टाइम जाएगा, ये 3 से ही देंगे। अब लिख देते हैं इसको, देयरफॉर 324 = 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3 2 times 3 1 2 3 4 times 1 2 3 4 times This is answer of 324। और इस प्रकार से आप अनेकों क्वेश्चन को लेकर के, अनेकों प्रॉब्लम को लेकर के और इसका सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर में सबको चेंज कर सकते हैं नंबर को। आप अपने घर पर अनेक संख्याओं को इस प्रकार से ले, या आपके बुक में भी बहुत सारे दिए हुए हैं नंबर, या सेल्फ आप ले सकते हैं। चेक करने का भी साधारण सी विधि है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है आपको। लेकिन ये ध्यान रहे आपको, जितने भी फैक्टर आएंगे, नाम इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। जितने भी फैक्टर, इसको फैक्टर इसको कहते हैं। अब फैक्टर किस रूप में होना चाहिए, प्राइम नंबर में होना चाहिए। ये सारे प्राइम नंबर है 2 2 3 5 5। अगर इसमें कंपोजिट नंबर आप अगर इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं तो आपका तो सॉल्यूशन तो सही है, रिजल्ट भी बता देगा। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन का उसमें कंपोजिट नंबर अगर डाल दिया गया तो आपका सॉल्यूशन को कंप्लीट सही नहीं माना जाएगा, और एग्जामिनर आप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पर मार्क्स को लेस कर सकते हैं, उनका पूर्ण अधिकार है इस पर। ये बात ध्यान रखेंगे हमेशा, क्योंकि बात ध्यान कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, कंपोजिट नंबर इसमें आना ही नहीं चाहिए। प्राय बच्चे करते हैं कंपोजिट नंबर में बदल देते हैं इसको, बाद में आप बदल सकते हैं वो अलग मामला है, लेकिन फिर भी हमें बदलने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हम डायरेक्ट कह रहा है क्वेश्चन प्राय फैक्टर में हमको आंसर चाहिए, हम क्यों बदलेंगे। इस तरह से हमको आंसर लिख देना है, हमको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है 2 × 2 = 4 या 3, या फिर पावर में भी लोग लिख देते हैं, पावर में तो आप लिख सकते हैं लेकिन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको इसको सो प्राइम नंबर में ही करना है, तभी ये पूर्णता सही माना जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थीगण, ये प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए अब आप सीख गए होंगे, मुझे आशा उम्मीद है। बस सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से, और अपने से बहुत सारी संख्याओं को ले लें आप घर पे बैठे हुए, और जरूर इसका प्रैक्टिस करें।
ताकि आपको एलसीएम बताया जाएगा, एचसीएफ बताया जाएगा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बताया जाएगा, क्यूब रूट निकालने के लिए बताया जाएगा। तो वहां पे आप इसका सहारा लेकर के और आसानी से उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको जानना सीखना। ठीक है, धन्यवाद।